हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2018 के बारे में। रिसेंटली 22 नवंबर 2018 को हमारे कंट्री के कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है। इसके बाद इस बिल को पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तो अभी वो वहाँ पर पास होना बाकी है। फॉर द टाइम बीइंग कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। जानेंगे ये बिल है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये हेल्थ केयर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 60% ऑफ की सेल चल रही है। ये सेल चलेगी 21 से लेके 28 नवंबर 2018 तक, और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 के लिए। वहाँ पे सब सेक्शन में आपको दिखेगा गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। तो हेल्थ केयर भी आपको पता है कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वहाँ पे सरकार एक काफ़ी बड़ा चेंज लाने वाली है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेंस में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में भी कुछ चांस है कि कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लें। तो रिसेंटली 22 नवंबर 2018 को हमारी कंट्री की यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने अप्रूव किया है एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2018 को। अब पहली बात तो जो नाम है इस बिल का, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अभी के लिए हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर कुछ एरिया हैं जहाँ पर हमने काफ़ी फोकस कर रखा है, कुछ एरिया है जहाँ पे हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, उसको हमने जैसे है वैसे छोड़ रखा है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इग्नोर्ड एरिया की, जिसकी तरफ सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आते हैं एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब ये होते कौन हैं? देखो, ये होते हैं लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। आप अगर रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या फिर किसी को आपने देखा हो वहाँ पे एडमिट होते हुए, तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में अब सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस का रोल नहीं है, बहुत से और प्रोफेशनल्स भी ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है डायबिटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के हेल्थ केयर सिस्टम का। ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट मिलेगा जो पेशेंट को बताता है कि क्या उनको खाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में मिलेगा। तो अभी तक क्या था कि हमारे देश में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो यहाँ पर एजुकेशन होती है, उसमें डॉक्टर्स एंड नर्सेस की जो भी एजुकेशन है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन थी। अर्थात आप अगर दिल्ली में कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो डॉक्टर बनने के लिए या नर्स बनने के लिए, या फिर महाराष्ट्र में देते हो या ओडिशा में देते हो, तो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में समानता थी, एक यूनिफॉर्मिटी थी। उसके अलावा सरकार काफ़ी ध्यान रखती थी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सही तरीके से कंडक्ट हो। यहाँ पे जो एजुकेशन होगी डॉक्टर्स और नर्सेस की, ये बिल्कुल एक समान हो। सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस चलते हैं, मगर ऑल टुगेदर जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का, चाहे वो दिल्ली हो या तमिलनाडु, वो सेम हो। मगर आप अगर जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और ये डायबिटोलॉजिस्ट, ये सब जो प्रोफेशनल्स हैं, इनका कोई कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, इनकी एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। किसी स्टेट में कोई कोर्स है, कहीं पर कोई और कोर्स चल रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सरकार फाइनली यहाँ पर ध्यान दे कि इनकी एजुकेशन कैसे हो रही है, इनको ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, ताकि यहाँ पर हम और ज़रा प्रोफेशनलिज्म ला सकें। और ओवरऑल आने वाले समय में हमारे देश में जो न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे, जो फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, उनको ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग मिले और वो ज़्यादा अच्छे से देश की सेवा कर पाए, और अगर वो देश के बाहर भी काम करना चाहते हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो। तो इस बिल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। The allied and healthcare professionals constitute an important element of health human resource network. जैसे मैंने आपको बताया, आज के टाइम में जो health human resource network है, basically healthcare sector में जो allied और healthcare professionals हैं, उनका भी काफ़ी important part है, along with the doctors and nurses. अगर ये लोग skilled होंगे, efficient होंगे, तो overall country की जो healthcare sector में आप कमाल की improvement देखेंगे।
उसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा है द बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच विल प्ले द रोल ऑफ अ स्टैंडर्ड सेटर एंड रेगुलेटर फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. जैसे मैंने आपको बताया एक यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की जाएगी. तो बिल के ये हाईलाइट्स है ये जान लेते हैं. पहली बात तो इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स. इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सेंट्रल कॉरस्पॉन्डिंग एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल्स बनेंगे. यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेगी और वेरियस प्रोफेशंस जो मैंने आपको प्रोफेशंस यहाँ पे बताए हैं ये सारे प्रोफेशंस नहीं हैं जो एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस में आते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं तो उन सब को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा और एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी. उसके अलावा द बिल प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल. तो इसमें सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल वो भी बनेंगे जिससे सेंटर और स्टेट दोनों ध्यान रख सकें कि इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है और ट्रेनिंग में समानता हो. इस सब के अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइव रजिस्टर्ड प्रोविजंस फॉर कॉमन एंट्री एग्जामिनेशंस. तो जो भी हमारे देश में एलाइड एंड हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो एक एंट्रेंस एग्जाम है वो कॉमन होना चाहिए. वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल ओवर कंट्री नहीं होने चाहिए और ऑफ कोर्स उनका सिलेबस भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो सेंट्रल और स्टेट काउंसिल्स हैं उनके अंडर एक प्रोफेशनल एडवाइजरी बॉडी भी बनाई जाएगी. वेरियस बॉडीज बनाई जाएगी जहाँ पर प्रोफेशनल्स होंगे रिटायर्ड एक्सपर्ट्स होंगे जो सरकार को रिकमेंडेशंस देंगे कि इस कैटेगरी में इस प्रोफेशन में हमको ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए. अब इस बिल का इम्पैक्ट क्या होगा. देखिए पहली बात तो ये जो बिल है बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू है. काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये आ रहा है और हमारे कंट्री में आज के टाइम में जो हमको हेल्थ केयर रिफॉर्म चाहिए जिसमें आयुष्मान भारत भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बिल भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि आप आज के टाइम में साउथ एशिया में देखें तो पाकिस्तान बांग्लादेश वेरियस कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसे बिल ऑलरेडी पास कर लिए हैं. वहाँ पर एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन है एग्ज़ाम सिमिलर है और उनकी जो ओवरऑल ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होती है. तो अभी के लिए जो इम्पैक्ट होगा इस बिल का वो ये होगा कि इट विल ब्रिंग ऑल एग्जिस्टिंग एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल. उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी टू क्रिएट क्वालिफाइड हाईली स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट जॉब्स इन हेल्थ केयर बाय एनेबलिंग प्रोफेशनलिज्म इन द एलाइड एंड हेल्थ केयर. तो जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सिमिलर होंगे तो ओवरऑल एलाइड और हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म आएगा लोगों की स्किल उभरेगी कॉम्पिटेंसी लोगों की बेहतर होगी. कल को अगर ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में बाहर की कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं तो इनको प्रेफर किया जाएगा. ये बेटर तरीके से ट्रेंड होंगे और इन द लॉन्ग रन आप देखें तो जब ये बाहर कमाएंगे और इवेंचुअली इंडिया में पैसा वो वापस लेके आएंगे तो इंडिया को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन. और जब हम यहाँ पे बाहर की नौकरी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी डिमांड है आज के टाइम में हेल्थ केयर वर्कफोर्स की अराउंड द वर्ल्ड चाहे वो यूरोप हो यूएसए हो एस्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो गल्फ एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है हेल्थ केयर वर्कर्स की. और रिसेंटली WHO ग्लोबल वर्कफोर्स 2030 की रिपोर्ट आई थी वहाँ पर बताया गया था कि 2030 तक ग्लोबल हेल्थ केयर वर्कर्स की जो डिमांड है ये 15 मिलियन तक पहुँच जाएगी और ये इस 15 मिलियन में काफ़ी बड़ा नंबर इंडिया फिल कर सकता है. अब इस बिल के पास होने से ओवरऑल कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है बेनिफिशरीज कितने लोग होंगे. देखिए यहाँ पे अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि मेन इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वही लोग होंगे जो एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में आना चाहते हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं. तो आने वाले समय में ऐसे करीब 8 से लेकर 9 लाख लोग हो सकते हैं जिनको बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और वो बेहतर तरीके से भविष्य में इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. आप अगर इसको एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखो तो ऑब्वियस ही बात है बेटर स्किल्ड बेटर एजुकेटेड जो एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस आएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में उससे पूरे देश को फ़ायदा होगा. वेरियस जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेहतर प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे. तो ये था कंप्लीट एनालिसिस एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2018 का इसकी इम्पॉर्टेंस ये किस तरीके से काम करेगा और ऑल टुगेदर किस तरीके से ये हेल्थ केयर रिफॉर्म्स में एक काफ़ी बड़ा स्टेप है.
So thanks for listening. That's all I have to say in this video. God bless you all.